अस्सलाम वालेकुम वन क्लास बेटा, कैसे हैं सब बच्चे? ठीक है, आई होप सब ठीक ही होंगे। बेटा आपका जो मल्टीप्लाई का टॉपिक आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया है, डिवाइड का भी और वर्ड प्रॉब्लम भी। आज इन सब का रिव्यू है, ओके। एक छोटी सी प्रैक्टिस है, एज आपने रफ नोटबुक पे करनी है ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कितनी समझ आई है मल्टीप्लाई की और कितनी समझ आई है डिवाइड के क्वेश्चंस की। इनका डिफरेंस भी है कि मतलब मल्टीप्लाई में क्या डिफरेंस है और डिवाइड में क्या डिफरेंस है। आज मैं आपको पेज नंबर 118 की बेसिक चीज़ बताऊँ मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या डिफरेंस है। जैसे ये है मल्टीप्लाई साइड, और ये है डिवाइड साइड। ओके, ये देखें, 4 3s आर 3 4s आर, 4 का टेबल 3 तक रीड करें या 3 का टेबल 4 तक रीड करें, सेम ही आंसर आते हैं मल्टीप्लाई में। 4 3s आर 12, 3 4s आर 12। ओके, बट डिवाइड में ये जो मल्टीप्लाई का आंसर है ना, ये जो वाला है 12, डिवाइड में ये क्वेश्चन बन जाता है 12 डिवाइडिंग बाय 3 है तो 4 आंसर आएगा, 12 डिवाइडिंग बाय 4 है तो 3 आंसर आएगा। ये देखिए, 12 डिवाइडिंग बाय 3 है तो 4 आंसर आएगा, 12 डिवाइडिंग बाय 4 है तो 3 आंसर आएगा। अब ये ज़रा हम कर लेंगे, अपोजिट होता है डिवाइड जो है, ये मल्टीप्लाई के अपोजिट है। जो मल्टीप्लाई का आंसर होता है वो डिवाइड में क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर एक नंबर पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरा आंसर होता है, दूसरे पे डिवाइड हो रहा है तो पहले वाला आंसर होता है। अब ये देखें, 3 का टेबल रीड करें, 12 किस पे आ रहा है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। देखें वही आंसर आ गया ना, 3 पे डिवाइड हुआ है तो 4 आंसर आ गया। अब 12 डिवाइड हो रहा है 4 से, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 4 3 12 आ गया ना, 4 पे डिवाइड हुआ है तो 3 आंसर है। ओके, कोई और हम ले सकते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 2 3 6, 3 2 6। अब यही मल्टीप्लाई का जो आंसर है वो डिवाइड में क्या होगा, क्वेश्चन होगा, 6 डिवाइडिंग बाय 3 है तो आंसर क्या आएगा, 2। ओके, 6 डिवाइडिंग बाय 2 है तो आंसर क्या आएगा, 3। अब हम टेबल रीड कर लें, 3 का टेबल रीड करें, किस पे 6 आ रहा है, 3 1 3, 3 2 6 आ गया ना, मतलब 2 आंसर आ गया। अब 6 डिवाइडिंग बाय 2 है तो आंसर क्या आएगा, 2 3 6, 2 मतलब 2 3 6। ओके स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस है मल्टीप्लाई में और डिवाइड में। अब जैसे है पेज नंबर 119 पे है, कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे बॉक्सेस, एम्प्टी बॉक्सेस हैं फिलिंग करनी है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल टू 18, 18 डिवाइडिंग बाय डैश आंसर है 3,
18 डिवाइडिंग बाय 3 पल 2 है। ओके ये क्वेश्चन मैं अंडरस्टैंड करवाती हूँ आपको। ये देखें 3 6 आर या 6 3 आर, 6 का टेबल वर्क रीड करें, 6 1 6 6 2 12 6 3 18। ओके क्या आया 18। मल्टीप्लाई में हम दोनों का टेबल रीड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में हम बाउंड नहीं होते कि जस्ट एक ही टेबल रीड करना है, डिवाइड में हम बाउंड हैं कि हमने बस उसी का टेबल रीड करना है, अगर डिवाइड का साइन आएगा तो बस हमने इसका टेबल रीड करना है, बट मल्टीप्लाई में हम दोनों के टेबल रीड कर सकते हैं, ये डिफरेंस होता है। 6 3 18। ओके अब ये देखें, ये पहले भी मैंने एक चीज़ समझाई है, 3 6 6 3 18 या 3 6 18। अब देखें 6 3 18, अब 3 6 18। ओके मतलब ये है और ये नहीं है, 3 6 18 हो गया। ओके अब वही वाली चीज़ जो मैंने पहले अंडरस्टैंड करवाई है, ये दो मल्टीप्लाई के हो गए, अब डिवाइड साइड आ गई, डिवाइड साइड आई है 18 डिवाइडिंग बाय 6 है। देखें 18 अगर 6 पे डिवाइड हो रहा है, 18 डिवाइडिंग बाय 6 तो 3 आंसर होगा। ओके 18 डिवाइडिंग बाय 3 तो इधर 6 आंसर होगा। ओके ये देखें, अब 18 डिवाइडिंग बाय डैश आंसर क्या आया 3, तो किस पे डिवाइड हो रहा है 6। ओके 3 आंसर आया तो 6 पे डिवाइड हो रहा है, देखें 6 3 18। अगर 18 डिवाइड हो रहा है 3 पे तो आंसर क्या होगा 6। ओके समय लगी, 6 3 या 3 6 18, 18 डिवाइडिंग बाय 6 है तो 3 आंसर होगा, 18 डिवाइडिंग बाय 3 है तो 6 आंसर होगा। ओके एक और मैं क्वेश्चन अंडरस्टैंड करवा रही हूँ, 10 multiply by 5 equal to 5 multiply by 10, 2 empty box, फिर 50 डिवाइडिंग बाय 10 तो क्या आंसर होगा, 50 डिवाइडिंग बाय एम्प्टी बॉक्स डैश तो 10 आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन को देख के बच्चे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पता नहीं हमें क्या दे दी है ये कॉन्सेप्चुअली चीज़ होती है, जिसको बेसिक मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट और डिवाइड का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना वो टेबल जाते हो तो वो इसको भूल नहीं पाएगा। इस तरह के 10 5s या 5 10s, 10 का टेबल 5 तक रीड कर लें या 5 का टेबल 10 तक रीड कर लें, रीड करें 10 1s 10 10 2s 20 10 3s 30 10 4s 40 10 5s 50, क्या आया 10 5s 50। अब 5 10s 5 का सारा टेबल रीड करें, 5 1s 5 5s 2s 10 5 3s 15 5 4s 25 5 6s 30 5 7s 35 5 8s 40 5 9s 45 5 10s 50, आ गया ना 50, सेम आंसर आ रहे हैं, आपको समझ अब लग रही होगी कि चाहे उसको इस तक मल्टीप्लाई करें या इसको इस तक मल्टीप्लाई करें आंसर सेम आएंगे। और अब डिवाइड में आ गए, अगर डिवाइड पे ये इस पे डिवाइड हो रहा है तो आंसर ये आएगा, अगर इस पे डिवाइड हो रहा है तो आंसर ये आएगा। अब आपको ये भी समझ लग गई होगी इंशाल्लाह ताला। अब देखें 50 डिवाइड हो रहा है 10 पे, ओके 10 का टेबल रीड करें, 10 5s अभी मैंने रीड किया है, 10 5s 50। ओके अब देखें यहाँ तो आंसर आ गया, अब 50 किस पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे बच्चे आके कन्फ्यूज़ हो रहे थे, 50 डिवाइड हो रहा है किस पे डिवाइड हो रहा है, आप ऐसे करें अगर आपको ज़्यादा ही कन्फ्यूजन होती है तो आप इसका टेबल रीड करना शुरू कर दें। ओके
ये देखें ना, अगर इस तरह समझाऊं कि 50 डिवाइड हो रहा है 5 पे, तो 10 आंसर आ रहा है। देखें यहाँ पे 10 आंसर आ रहा है। अगर ज़्यादा भी ना आपको अंडरस्टैंड कर पाए, आप 10 का टेबल रीड करना शुरू कर दें, 10 5 जार 50, तो आप 5 यहाँ पर राइट कर दें। अगर इस तरह समझ आ रही है कि 10 50 जो है 5 पे डिवाइड हो रहा है तो आंसर 10 आएगा, अगर 50 जो है 10 पे डिवाइड हो रहा है तो आंसर 5 ही आएगा। ओके, इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, 5 × 20 = 20 20 / 4 = 20 / 4 = 2 / 20 / 4 = अच्छा, अब देखें 5 का टेबल 4 तक या 4 का 5 तक, 5 4 जार या 4 5 जार कितने हुए, टेबल रीड करें, 4 का रीड कर लें या 5 का रीड कर लें, दोनों रीड कर सकते हैं, 5 4 जार या 4 5 जार 20। ओके, अब देखें 5 4 जार 20, 4 क्या आएगा, 5 जार 20। अब आप सबको समझना चाहिए, 4 5 जार 20, देखें 5 4 जार 4 5 जार, इसका टेबल इस तक, इसका टेबल इस तक। ओके, और आंसर उनके क्या आएंगे, सेम आएंगे। अब डिवाइड वाली चीज़ आ गई, डिवाइड में अगर 5 पे डिवाइड हो रहा है तो आंसर 4 आया। ओके, समय लग गई ना, अब किस पे डिवाइड हो रहा है, 5 पे, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, आ गया ना आंसर। अब 4 पे डिवाइड हो रहा है, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20। ठीक है, समय लगेगी ना सबको। अब आपको ये अच्छी तरह कन्फ्यूजन क्लियर हो जानी चाहिए कि मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नहीं है। अब मैं आपको थोड़ी सी रिटर्न प्रैक्टिस आपको एक साइड पे मल्टीप्लाई और एक साइड पे डिवाइड के देती हूँ। आप सब बच्चों ने, मैं इस वक्त समझा रही हूँ, आप सब बच्चों ने मुझे इसकी नोटबुक पे इसकी प्रैक्टिस करके दिखानी है। मैथ का जो मैं वर्क करवाती हूँ ना व्हाइट बोर्ड पे, यही आपकी डायरी होती है, यही प्रैक्टिस मैं आपको प्रैक्टिस ही करवाती हूँ। मैथ में होती प्रैक्टिस है, बुक्स का आप सबका वर्क किया हुआ है, नोटबुक पे आप जितनी हो सके प्रैक्टिस करें, डेली रूटीन में प्रैक्टिस करें। जो मैं मल्टीप्लाई के क्वेश्चन दूंगी, जो डिवाइड के क्वेश्चन दूंगी, सॉल्व करवाऊंगी, समझाऊंगी, उनको समझ लें, फिर उन्हें चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी, आपने उन्हें ही क्वेश्चन नोट कर लें, बुक से देख लें, तो उन्हीं को आप दोबारा नोटबुक पे आप उसकी प्रैक्टिस करें, टेबल रीड करें, यही आपकी डायरी होती है, यही आपका वर्क होता है। जैसे मैं बुक में से कुछ क्वेश्चंस लेती हूँ, ये मल्टीप्लाई की साइड है, 3 × 7, 2 × 2, 5 × 6, 4 × 8 कर ले, 5 × 5। ओके, अब दूसरी साइड पे 2 / 2, 9 / 3 = 21 / 3 = 12 / 2 = 4 / 4
क्वेश्चंस एक साइड पे आपको मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस है, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 5 ही क्वेश्चंस आपके मल्टीप्लाई के और 5 ही क्वेश्चंस आपके डिवाइड के हैं, ओके यही आपकी प्रैक्टिस है। ये इसलिए मैंने मतलब इकट्ठे लिखे हैं ताकि अब आपको कंपैरिजन करना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। सेम आंसर्स मल्टीप्लाई और डिवाइड में कभी भी नहीं होते, ओके अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है। मैं अब आपको दोबारा से एक दफ़ा ये रिव्यू कर देती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वह रिव्यू प्रैक्टिस ही है, मल्टीप्लाई की, डिवाइड की, और मैं दोबारा से वर्ड प्रॉब्लम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूँगी, ओके। बेसिक चीज़ इनमें डिफरेंस है। अब देखें मल्टीप्लाई का मैंने बता दिया ना, ये साइन किस चीज़ का, मल्टीप्लाई का। 3 7s are या 7 3s are, ओके 3 7s are या 7 3s are, दोनों का टेबल रीड कर, 3 7s are 3 का टेबल आप 7 तक रीड करेंगे। 3 1s are 3 3 2s are 6 3 3s are 9 3 4s are 12 3 5s are 15 3 6s are 18 3 7s are 21, ओके ये हो गया। यहाँ पे आप सब बच्चे कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, इधर आंसर 1 लिख देते हैं या इधर 4 लिख देते हैं। यही कॉन्सेप्ट मैंने समझाने के लिए इसको सेम इसलिए क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ आ सके, जो आप मिस्टेक करते हैं वो आप नेक्स्ट टाइम ना करें। 2 1s are 2 2 2s are 4, ओके क्या है 2 2s are 4, ये नहीं करना 2 1s are 2, वो होगा डिवाइड में कि 2 जो है 2 किस पे पूरा आ रहा है, 2 1s are 2 उस पे पूरा आ रहा है, वो डिवाइड में चीज़ होगी। मल्टीप्लाई में इसका टेबल इस तक रीड कर लें या इसका इस तक, 2 2s are 4, ओके 5 6s are या 6 5s are, 6 का टेबल रीड कर लेते हैं, 6 1s are 6 6 2s are 12 6 3s are 18 6 4s are 24 6 5s are 30, 4 का टेबल 8 तक रीड कर लें, ठीक है 8 का अभी आपने नहीं किया हुआ, 4 1s are 4 4 2s are 8 4 3s are 12 4 4 are 16 4 5s are 24 6 are 24 4 7 are 28 4 8s are 32, हो गया। ये फिर सेम मतलब वही मैंने क्वेश्चन लिया है, ऐसे क्वेश्चन इसलिए मैंने दिए हैं कि कन्फ्यूजन जो बच्चों का है वो दूर हो सके। 5 1s are 5 नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, 5 5s are आएगा, ओके 5 1s are 5 5 2s are 9 5 3s are 15 5 4s are 25 5 5s are 25, ओके डन होगी ये साइड मल्टीप्लाई की। अब नेक्स्ट आ गई हमारे पास डिवाइड साइड, हाँ जी किस पे आ रहा है, अब आप सब बच्चों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब आप सब बच्चे बोलेंगे ये कि ये टीचर यहाँ पे ये करना है, टीचर यहाँ पे ये करना है, हाँ जी किस पे आ रहा है अभी, 2 2 1s are 2, ओके यस गुड, जो जो बच्चे बोल रहे हैं उनके लिए वेरी गुड। 3 का टेबल करें, 3 1s are 3 3 2s are 6 3 3s are 9, ओके 3 9s are 27 ही राइट करना, वो मल्टीप्लाई साइड होती है, ओके मतलब 3 9s are वो मल्टीप्लाई साइड होती है 27, ये डिवाइड साइड है, हमने देखना है कि 9 किस पे आ रहा है, 3 3s are 9, ओके 3 का टेबल रीड करें। ये मैंने दो क्वेश्चन इस तरह लिखे हैं 12 और 21, इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, 12 राइट करवाऊँ तो 21 लिखा होता है, 21 राइट करवाऊँ तो 12 लिखा होता है। बेटा 21 2 पहले आएगा, ठीक है 21 12 में 1 1 पहले आएगा, 1 1 11 1 2 12 1 3 13, बच्चों को जब लर्न करवाया जाता है तो ऐसे करवाया जाता है, ओके 2 1 21 2 2 22 21 और 12 में डिफरेंस नहीं बच्चों को पता कर पाते, यहाँ पर 12 लिख समझ के तो फिर ये यहाँ से टेबल फिर रॉन्ग, 3 4s are 12 कर लेते हैं, यहाँ पर 21 है, 3 7s are 21, ओके अब 2 का टेबल रीड करें, किधर 12 आ रहा है, अब डिफरेंस की समझ आ गई होगी, 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 2 4s are 2 5s are 10 2 6s are 12, ये हो गया। अब क्या है 4 1s are 4, अंडरस्टैंड यही क्वेश्चंस हैं, यही आपकी डायरी है, यही डायरी है कि आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड के ये जो क्वेश्चंस हैं
पेज नंबर 116 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई के क्वेश्चन जो हैं आप सारे में से कुछ भी 5% ही मल्टीप्लाई के, 5% ही आपके डिवाइड हैं, यही आपकी डायरी है, आपके आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, ओके। यही प्रैक्टिस है और आपने 5 ही नंबर्स इवन ओड के ले लेने हैं, इवन एंड ऑड, इवन एंड ऑड। उसकी भी साथ में प्रैक्टिस कुछ नंबर्स मैं राइट करवा देती हूँ। ठीक है, ये नंबर्स मैं राइट करवा रही हूँ। यही आपकी डायरी है, यही आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये नंबर्स शायद यहाँ पे नहीं नज़र आ रहे, मैं यहाँ पर थोड़े से इवन ऑड के नंबर्स राइट करवाती हूँ। इवन और ऑड, टिक इवन को करना है और ऑड को आपने सर्कल कर देना है, ओके। नंबर्स 89, 82, 61, 153। ये नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, ठीक है, 10 कर लें। आपने इवन नंबर्स को टिक करना है और नंबर्स को सर्कल करना है, ये मैं आपको साथ प्रैक्टिस भी दे रही हूँ। एक तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, इवन ऑड नंबर्स मैं दोबारा रिमाइंड करवा देती हूँ। इवन नंबर्स हैं, 2 का टेबल भी है, और इवन नंबर है 0, 2, 4, 6, 8, 10, और नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, 11। दोबारा मैं ये रिमाइंड करवा दूँ, 10 को आपने स्किप करना होता है, छुपाना होता है, वंस को देखना होता है। वंस अगर इवन की लाइन में है तो टिक कर दें, वंस अगर ऑड की लाइन में है तो उन्हें सर्कल कर दें। ये दोबारा प्रैक्टिस होगी। और दूसरा मैं आपको अब आप थोड़ा सा बुक से आपको रिव्यू करवा दूँ, ताकि जो भी है बुक से आपकी बस वो दोबारा से प्रैक्टिस ही है। आपने सारा ये दोबारा से, ये जो आपका डिवाइड का सारा कॉन्सेप्ट है आपने ये दोबारा से करना है, और आपका इंशाल्लाह ताला अब जो मैट होगा उसमें फिर ये आपका डिवाइड तक आपका कॉन्सेप्ट है। थैंक यू बेटा।